वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। अध्याय 9 श्लोक संख्या आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कितना है आज? 13। तेरा महात्मा की परिभाषा। यस, महात्मा की परिभाषा। भारत हरे में, कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। एकदम से मुझे क्लास शुरू होने के बाद कोई हरे कृष्णा बोलते है तो मुझे लगता है कोई बुला रहा है, ऐसा लगता है। क्लास शुरू होने से पहले सारा हरे कृष्णा कर लेते हैं जी। तो श्लोक संख्या आज 13 कर रहे हैं और महात्मा की परिभाषा है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने देखा था कि जो भगवान का उपहास करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग थे, वो जब मोहिनी आश्रिता, मोहिनी आश्रिता है, अर्थात भगवान की माया शक्ति की शरण ले रखे हैं। लेकिन आज हम समझने वाले महात्मा लोग, तो महात्मा लोग किसकी शरण ले रखे हैं? वो ले रखे हैं दैवीम प्रकृति महाशिता, अर्थात की भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की शरण में। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करेंगे। आज किनका नंबर है श्लोक उच्चारण करने का? यस, शकुंतला माता जी कीजिए। आप ये थोड़ा नोट करेंगे नेक्स्ट टाइम से कि किसका किसका नंबर है। यस, ओके। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, भजन्ते अनन्य मनसो, भजन्ते अन्य मनसो, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ, देवीं प्रकृतिम आश्रिताः, देवीं प्रकृतिम आश्रिता, भजन्ते अनन्य मनसो, भजन्ति अन्य मनसो, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, ज्ञात्वा भूतादिमम अव्ययम्। शब्दार्थ उच्चारण कीजिए। महात्मनः, महात्मन, महापुरुष, महापुरुष, तू, तू, लेकिन, लेकिन, माम, माम, मुझको, मुझको, पार्थ, पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र, दैवीं, देवीं, देवी, देवी, प्रकृतिम, प्रकृतिम, प्रकृति के, प्रकृति के, आश्रिताः, आश्रिताः, शरणागत, शरणागत, भजंती, भजंती, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, अनन्य मनसः, अनन्य मनसः, अविचलित मन से, अविचलित मन से, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, जानकर, जानकर, भूता, भूता, सृष्टि का, सृष्टि का, आदिम, आदिम, उद्गम, उद्गम, अव्ययम्, अव्ययम्, अविनाशी, अविनाशी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये दैवीम प्रकृति आश्रिता, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किस प्रकार से स्थित होती हैं, होते हैं, उनकी चेतना किस प्रकार से स्थित होती है, वो आज के श्लोक में बताया जाएगा। और आज के श्लोक का टाइटल जो हमने दिया था, महात्मा की परिभाषा। ठीक है, एक हमारे भारत में भी महात्मा के नाम से बहुत विख्यात व्यक्ति हैं और वो थे, तो उनकी परिभाषा और यहाँ पर जो आप कंपेयर कर सकते हैं महात्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, भगवान कृष्ण किसको बताते हैं महात्मा? हम सबके मन में प्रश्न रहता है महात्मा कौन है, महात्मा की परिभाषा क्या है। तो महात्मा का मतलब कई बार कुछ लोग क्या समझते हैं, कोई कपड़े पहन रखा है, कुछ शिखा कुछ नए लगी रखी हुई है, कुछ हेडशेप करा रखा है, या बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बहुत सारी मालाएं पहनी हुई है और वो महात्मा है। तो महात्मा का अर्थ भगवान कृष्ण बता रहे हैं और आप सभी लोग इसमें जो शब्द है वो लिखेंगे, दैवीम प्रकृति आश्रिता, महात्मानस्तु माम पार्थ, दैवीम प्रकृति आश्रिता, दैवीं प्रकृति आश्रिता, महात्मा दैवीं प्रकृति आश्रिता। ठीक है, अनुवाद दोहराएंगे माता जी, अनुवाद दोहराइए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पार्थ,
हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। कौन माता जी? कौन? महात्मा जन। हाँ, तो ये मालूम होना चाहिए महात्मा जो है भगवान को किस प्रकार से जानते हैं, और जो मोहिनी मिष्टता है, जो मूड है, वो भगवान को किस तरह से जानते हैं। तो आप अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे, कंपेयर कीजिएगा। मूड लोग तो बोलते हैं भगवान एक भौतिक शरीर धारण करके आते हैं हमारे जैसे, वो भी एक भौतिक व्यक्ति हैं, कुछ ज्यादा शक्ति हासिल कर दिया तो उनको बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको महापुरुष बोला जाता है, उनका कोई आध्यात्मिक शरीर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जैसे ही है। ये कौन है? मूर्ख लोग। और महात्मा लोग क्या कहते हैं? महात्मा लोग जो है भगवान की दैवी प्रकृति के शरण में रहते हैं और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान आदि हैं, अविनाशी हैं और आदि और अविनाशी है, सच्चिदानंद है, ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन जो ये होते हैं अभक्त, जो सो कॉल्ड डिवोटी होते हैं, जो खाली ऑल्टर में बहुत सारे भगवान लगा के रख देते हैं, या मंदिर में जो आपने देखा होगा आजकल हर एक मंदिर में बहुत सारे भगवान होते हैं, जिसको जो इच्छा उसके पास जाना चाहिए, ऐसा कोई खाली नहीं जाए। हमारे मंदिर आए तो उसको इच्छा थी साईं बाबा की पूजा करने की, और हमारे मंदिर में साईं बाबा नहीं थे तो क्या होगा? रखो इनको भी, रखो दुर्गा माता इनको भी रखिए, सबको रखना है। ऐसा करके ये जो सो कॉल्ड भक्त हैं, जो कहने के लिए भक्त हैं, वो लोग क्या कहते हैं? भगवान तो एक साधारण व्यक्ति थे, महापुरुष बन गए बाद में, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, महात्मा हैं, वो भगवान के दैवी प्रकृति की शरण ले रखे, मतलब अंतरंगा शक्ति की शरण ले रखे, राधा रानी की शरण ले रखे और संरक्षण में है, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते, पूरी भक्ति करते रहते। मूड व्यक्ति क्या करते हैं अंशुमान जी? कितना समय? हरे कृष्णा प्रभु जी। मूड व्यक्ति हमेशा भगवान का उपहास करते रहते हैं। मूड लोग भगवान का उपहास करते हैं, महात्मा लोग हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। मूड लोग कहते हैं कि भगवान एक भौतिक शरीर है, महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान आदि है, अविनाशी है, और इस प्रकार से वो हमेशा उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है आपको? गर्दन हिलाइए सभी लोग। यार आ रहा है समझ में? कृष्णा कौली मत, समझ में आ रहा है? नहीं? यस, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, ओके। तो हमने समझा पिछले श्लोक, श्लोक संख्या 12 और श्लोक संख्या 13। श्लोक संख्या 12 में मूर्ख लोग थे, श्लोक संख्या 13 में भक्त लोग हैं। स्वर्ग लोग, श्लोक संख्या 12 में वो लोग भगवान को मजाक उड़ाते थे, श्लोक संख्या 13 में जो लोग हैं महात्मा लोग हैं, वो भगवान की हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। मूर्ख लोग जो थे, वो मूढ़ लोग जो श्लोक संख्या 12 में थे, वो भगवान के आदि अनादि रूप को नहीं जानते थे, अविनाशी रूप को नहीं जानते थे, परमेश्वर रूप में भगवान को नहीं जानते थे, तो भगवान का वो उपहास करते थे। और लेकिन यहाँ पर ये लोग हमेशा भक्ति करते रहते हैं क्योंकि वो भगवान के ओरिजिनल अनादि रूप को जानते हैं, ठीक है। अब वापस एक बार अनुवाद पढ़ रहा हूं, फिर आप समझ जाइएगा अच्छे से, हमेशा हमेशा के लिए क्लियरिटी आ जाती है। आपको पूछा जाए महात्मा की परिभाषा क्या होती है, अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। ऐसा धीरे धीरे समझना। यस पूनम माता जी क्या कह रहे हैं? माता जी बोलिए। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं कह रहे थे हम। अच्छा, तो महात्मा की परिभाषा हमने देखा, जो हमेशा आध्यात्मिक प्रकृति के शरण में रहते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, अनुवाद में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। हे पार्थ, मोह मुक्त, महात्मा किससे मुक्त होते हैं? मोह से। और मूढ़ लोग मोहग्रस्त होते हैं, सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, भगवान भी एक शरीर है, इस प्रकार का इनको मोह रहता है। तो महात्मा जन जो होते हैं वो मोह मुक्त होते हैं, और दैवी प्रकृति
के संरक्षण में रहते हैं। दैवी प्रकृति मतलब क्या है? आध्यात्मिक प्रकृति, भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी उनके संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, हमेशा भक्ति करते रहते हैं। भक्ति में क्या क्या करते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारी अलग अलग तरह की भक्ति है। भक्ति का मतलब समझिएगा। अभी तक हम भक्ति का भी मतलब क्या समझ रहे थे? आज तक जब इस्कॉन से, हरे कृष्णा से या भगवद गीता की क्लास से नहीं जुड़े थे, हम सोचते थे भक्ति मतलब माला लेके बैठ जाना या बस आरती करते रहना, कोई भक्ति है। अभी आप कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति है। आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, ये भक्ति है। आप कीर्तन सुन रहे हैं, ये भक्ति है। भगवान के लिए मार्केट से कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं, ये भक्ति है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये भक्ति है। जन्माष्टमी के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये भक्ति है। राइट? ये सब पूरी की पूरी एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट आइए अब आगे समझते हैं तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। कौन से महात्मा है ये जो हमारे नोट के ऊपर प्रिंट होते हैं? वो वाले हैं मोहमुक्त भगवान के भक्त। एक सिंपल सी लाइन लिखी है। अब आप महात्मा एटले, गुजराती में एटले बोले से महात्मा एटले, या फिर हिंदी में लेंगे महात्मा अर्थार्थ, अंग्रेजी में लिखिए महात्मा मीन्स, मारवाड़ी में लिखिए महात्मा क्या बोलेंगे, महात्मा रो मतलब, हाँ महात्मा रो मतलब काव्य है, देखते हैं। तो महात्मा का मतलब है जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न रहते हैं पूर्णतः, वो है महात्मा। दीना पटेल माता जी, ममता पटेल माता जी, समझ में आवे क्यों? रिंजन माता जी समझ में आ रहा है? अच्छा, महात्मा मतलब माता जी बताइए, रिंजन माता जी महात्मा मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड चालू होता है। ठीक है, जो बड़ी दाढ़ी रखते हैं वो महात्मा है क्या? आपको उत्तर देना है, माइक म्यूट करो। नहीं प्रभु जी। नहीं क्यों? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये क्राइटेरिया नहीं है कि महात्मा का क्राइटेरिया दाढ़ी रखना है। दाढ़ी रख के भी कोई शुद्ध भक्त हो सकता है, और दाढ़ी रख के भी कोई भक्त नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? क्या दाढ़ी रखने वाले महात्मा है? हो भी सकते अगर वो भक्ति में लगे हुए तो। नेक्स्ट प्रश्न, क्या ऐसे वस्त्र पहनना जरूरी है महात्मा के लिए? नहीं प्रभु जी। यस, महात्मा ग्रस्त हो सकता है क्या प्रभु जी? महात्मा ग्रस्त मतलब? ग्रस्त जो व्यक्ति है वो महात्मा हो सकता है? हो सकता है। वेरी नाइस। और महात्मा जो है वो अपने पास पैसे रख सकता है? रख सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी भक्ति कार्य के लिए जरूरत पड़ सकती है। यस, भक्ति कार्य के लिए उसका उपयोग करता है। क्या महात्मा जो है गाड़ी में घूम सकता है? घूम सकता है। वेरी नाइस। महात्मा प्लेन में जा सकता है? जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये, क्योंकि हम कई बार महात्मा को सब मन में टैबू बना के रख लेते हैं कि महात्मा मतलब ऐसा 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 होना चाहिए। अरे ये तो आईफोन 13 प्रो रखते हैं, कैसा महात्मा ये? अगर वो वास्तव में पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में यूज कर रहे तो उनके लिए वो कुछ नहीं है। राइट? हमारी भक्ति का नाम क्या है? युक्त वैराग्य वाली भक्ति। हर एक चीज को भगवान की सेवा में उपयोग करना सीखना। ठीक है, बहुत अच्छा। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। दैवी प्रकृति में स्थित रहता है मतलब हमेशा भक्ति करता रहता है, हमेशा भक्ति करता रहता है। दैवी प्रकृति मतलब कौन? राधा रानी, अंतरंगा शक्ति, हमेशा वो आध्यात्मिकता में लगा रहता है। ये महात्मा का पहला लक्षण है। क्विज में प्रश्न आएगा, महात्मा का पहला लक्षण क्या है? कल क्विज है ना, श्लोक संख्या 12 तक। कल क्विज है श्लोक संख्या 12 तक। कल महात्मा का पहला लक्षण क्या है? महात्मा का पहला लक्षण है
वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, अर्थात अंतरंगा शक्ति में, अर्थात राधा रानी के संरक्षण में। क्लियर है? सब लोग वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए ना। हरी बोल। मेरे कंप्यूटर पे 3 स्लाइड है, 3 स्लाइड में ओनली 1 स्लाइड जो है वो वीडियो ऑन करके बैठी हुई है, तो सोच लो कितना परसेंटेज है। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। तो हमेशा वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। दैवी प्रकृति मतलब दुर्गा माता नहीं है यहाँ पर, दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी के अंतर्गत में क्या करता रहता है, भक्ति करता रहता है, भगवान की सेवा करता रहता है। नेक्स्ट, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, दूसरा लक्षण लिख लीजिए, महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता है। महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता है। आध्यात्मिक प्रकृति के अधीन होता है। वो जो पहले लिखा हुआ वही है, महात्मा आध्यात्मिक प्रकृति के अधीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। और लिखा हुआ है कि अब ये होता कैसे है, क्या होता कैसे है, ममता पटेल माता जी क्या होता कैसे है, यहां लिखा हुआ ये होता कैसे, क्या होता कैसे, ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हम बोलो वापस एक बार। यहाँ लिखा हुआ ये होता कैसे है, क्या होता कैसे है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति में अधीन नहीं होता है। वो वह भौतिक प्रकृति का जो भी सुख रहते हैं। क्या माता जी लिखा हुआ फिर भी ऐसे कर रहे हो, वो राधा रानी के संरक्षण में रहता है। मैं पूछ रहा हूँ ये होता कैसे, ये प्रश्न क्या होता कैसे है, ये प्रश्न मेरा। आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में महात्मा कैसे रहता है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में महात्मा कैसे रहते हैं, ये प्रश्न है। हम लोग अभी कौन सी प्रकृति के संरक्षण में हैं? भौतिक प्रकृति प्रकृति के भौतिक प्रकृति बहिरंग। यस, तो हम लोग जो हैं भौतिक प्रकृति के संरक्षण में, लेकिन महात्मा लोग किसके संरक्षण में होते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के लक्ष्य। यस, लोग एक्टिव हो जाइए। और अच्छा एक बात बताओ, अभी कौन सी प्रकृति के संरक्षण में है, जब 3 से 4 बजे 4:30 बजे क्लास होती है, आध्यात्मिक, जब आप 16 माला का जप करते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक, ये बातों को आपको समझता हूँ। हमारा अभी क्या चल रहा है, शिफ्ट कर रहे हैं घर, ये वाला घर खाली करके दूसरे घर में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ से 24 घंटे यहाँ देते थे, अब थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में कर रहे हैं। तो कैसे हमेशा हमेशा के लिए हम आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में चले जाए, वो प्रश्न है। यह होता कैसे, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है ये, जिनको मालूम है वो नहीं बोलना है, नहीं बोलना है ना, आप थोड़ा धीरे धीरे बाकी लोगों को मौका दीजिए। देवी है सा गुणमयी, देवी है सा गुणमयी, अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। तो उसमें क्या लिखा था, यस ममता पटेल माता जी बताएंगे क्या बताया उसमें, अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। वंदना बारोट माता जी बता दीजिए जल्दी से। प्रकृति के 3 गुणों वाले दैविक शक्ति पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो पार कर सकता है। तो भगवान की दैवी प्रकृति जो है, आध्यात्मिक प्रकृति जो है, उनकी शरण में अगर कोई जाएगा, या फिर सीधा सीधा क्या बोलेंगे, भगवान की शरणागत जो होगा वो जो है इस भगवान की भौतिक शक्ति को पार कर पाएगा।
तो उत्तर मिल गया आपको। प्रश्न पूछता हूँ आपसे, किससे पूछूं? सुधा अग्रवाल माता जी बताइए, कैसे कोई भी व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए भौतिक प्रकृति से मुक्त हो सकता है? भक्ति से। हाँ, नाम जप से, भगवान की शरण में आके। माता जी अभी तो बताया सातवें अध्याय का चौदहवा श्लोक, भगवान की पूर्ण शरणागत होकर के तो हमेशा हमेशा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में आ जाएगा। ठीक है ऋतु प्रभाकर माता जी, समझ में आ गया? गुड। तो जब हम आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में जाएंगे, सभी लोग ध्यान से समझिए, एक बार फिर से बता रहा हूं, अटेंशन दीजिए पूरा। यस, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। हम सब लोग अभी भौतिक प्रकृति के संरक्षण में हैं। जब भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की शरण जाएंगे, तो हम आध्यात्मिक प्रकृति के शरण में पहुंच जाएंगे, श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में पहुंच जाएंगे। कैसे बोलेंगे? तो श्रीमती राधा रानी के शरणागत हो जाएंगे हम, भगवान के जब शरण ग्रहण करेंगे तो हमेशा हमेशा हम भक्ति में लग जाएंगे। क्लियर है आप सबको? आपको ठीक है? एक बात बता दूं, इतना अच्छे से श्लोक आपके साथ ही मुझे समझ में आता है। बात ये है, मुझे डिस्कस करते करते मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इसकी व्याख्या सातवें अध्याय में की गई है, जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है, यही वो कारण है जिससे महात्मा हमेशा भगवान की दैवी प्रकृति में रहता है। तो दूसरा, तीसरा लाइन क्या हो गया? महात्मा का लक्षण लिखिए, तीसरा लक्षण महात्मा का। पहला लक्षण क्या था, बोलो जल्दी से। दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। दूसरा, भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। एक जना बोलो, महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। महात्मा भौतिक प्रकृति होते, एक ही बात हो गई, दैवी प्रकृति के अधीन नहीं होते। तो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते, होते हैं तो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते, सिंपल है। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? भगवान की भक्ति में सदा रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, भगवान की भक्ति में निमग्न रहता है। तीसरा जो है बिंदु है वो ये है कि भगवान की शरणागत होते हैं महात्मा लोग, भगवान की शरणागत होते हैं। कौन से भगवान की शरणागत होते हैं? राधा रानी, द्विभुज मुरलीधर। या द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बोलो। जिस दिन समर्पण करोगे उस दिन मुक्त हो जाओगे। मुझे को-होस्ट का वो दे दीजिए ना, आई थिंक राइट है मेरे को। माता जी होस्ट को-होस्ट कुछ बना दीजिए ना। हाँ कोई बात नहीं। तो भौतिक प्रकृति जो है वो उससे तुरंत, जैसे ही वो भगवान के शरणागत होता है तो उस भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छे से समझिएगा आप, भौतिक प्रकृति मतलब कौन? दो शब्दों में बोलो, भौतिक प्रकृति मतलब कौन? मायावादी प्रकृति के तीन गुण, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता जो दैवी प्रकृति दैवी प्रकृति कहलाती है, माया। माता जी भौतिक प्रकृति बोल रहा हूँ तो आप दैवी प्रकृति बोल रहे हैं, रेखा मल्होत्रा माता जी, कहाँ ध्यान है आपका? मैं तो यही पढ़ रही हूँ, भगवान की अपराशक्ति। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप में से जिन्होंने बोला, जो मुझे उत्तर चाहिए था वो था मैडम माया। क्या नाम है उनका? माया। तो ये जो माया जो है वो भौतिक प्रकृति है,
और इसके चंगुल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। दुनिया बोलती है ना माया से मुक्त नहीं मिल रही है, माया पकड़ के रखी है, माया छोड़ने रही है। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति अपोजिट है। हमारी स्थिति कैसी है बताता हूं आपको। एक बार जनक महाराज के महल में अष्टावक्र ऋषि रहते थे, और अष्टावक्र ऋषि जो है उनके गुरु जी के समान थे। अष्टावक्र ऋषि जो आठ जगह से क्या कहेंगे, आठ जगह से टेढ़े थे, विकृत थे आठ जगह से, इसलिए उनको बोलते अष्टावक्र ऋषि। अब एक दिन जो है राजा ने प्रश्न पूछ लिया भरी सभा में। राजा ने पूछा अष्टावक्र जी से, हे अष्टावक्र ऋषि, हे गुरुवर, मैं जो है इस माया से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, माया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, हमेशा माया मुझे जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है माया, हे गुरुवर कैसे मैं इस माया से मुक्त हूं। तब अष्टावक्र ऋषि क्या करते मालूम है, जैसे ही प्रश्न सुनते हैं अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं, महल से बाहर जाते हैं, एक पेड़ था उसको कस करके पकड़ लेते हैं, कस करके पकड़ लिया उसको पेड़ को। दशरथ जनक महाराज बोलते क्या हुआ ऋषिवर को, क्या हुआ गुरुदेव को, ऐसे क्यों भागे बाहर, सभी लोग बाहर चले गए। और बाहर जाकर के देखते हमारे गुरुदेव तो एक पेड़ को लपट के खड़े हुए वहां पर, टाइटली पकड़ा हुआ पेड़ को। तो फिर जो है हमारे जनक महाराज बोलते हैं, अरे ऋषिवर गुरुवर इस पेड़ को छोड़िए, क्यों नहीं छोड़ रहे आप इस पेड़ को, छोड़ दीजिए, क्या हुआ, क्यों ऐसे भाग के आ गए, मैंने कुछ प्रश्न पूछा था आपसे कि माया मुझे नहीं छोड़ रही है। तो ये हमारे ऋषि अष्टावक्र जी बोलते हैं, हे राजन ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, हे राजन ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। अरे क्या बात करते हो गुरु, पेड़ ने थोड़ी ना पकड़ रखा, आपने पकड़, नहीं 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 पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा राजन, मैं क्या करूं। ममता पटेल माता जी कौन नहीं छोड़ रहा था, पेड़ प्रभु जी, पेड़ नहीं छोड़ रहा था किसको, अष्टावक्र। रुको, ममता पटेल माता जी ऋषि अष्टावक्र, पेड़ ने पकड़ के रखा था किसको, अष्टावक्र। पेड़ पकड़ सकता है क्या माते, जनक जी ने उनको पकड़ रखा था प्रभु जी। ये भगवान आप भी कहां से आ गए, गुरु जी ने पेड़ को पकड़ रखा था, उन्होंने पेड़ को पकड़ा था ना, पेड़ ने थोड़ा ना उनको पकड़ा था, जनक जी ने बोला कि माया मुझे छोड़ नहीं रही है, गुरुवर बोलते हैं ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है, जनक जी बोलते हैं आप हाथ छोड़ो पेड़ छोड़ जाएगा, जनक गुरुवर बोलते हैं तुम माया छोड़ो माया छूट जाएगी, माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है, तुमने माया को पकड़ा हुआ है। अब समझ में आया माते, आपसे बहुत आशा है माता जी मुझे, आप ऐसे क्यों करते हैं, आप उल्टा सवाल पूछा ना इसलिए, उल्टा नहीं पूछा सीधा पूछा मैंने, किसने किसको पकड़ के रखा था, आपने बोला पेड़ को, पेड़ ने पकड़ रखा है उनको अष्टावक्र जी को, मैंने ये बोला सीधा कि वो अष्टावक्र जी भागते हुए आए, बाहर एक पेड़ था उसको कस के पकड़ लिया, और जनक महाराज भी आ गए बोले आप पेड़ को छोड़ो क्यों पेड़ को पकड़ के रखा है, तो अष्टावक्र मुनि ऐसे ही बोल देते हैं उनको समझाने के लिए राजा को कि पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, मैंने थोड़ी ना उसको पकड़ा है, समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो हम सब लोगों ने पकड़ के रखा है किसको, माया को हमने पकड़ के रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम जो है अपने शौक नहीं छोड़ते हैं, हम अपने कपड़े पहनने का तरीका स्टैंडर्ड वो नहीं छोड़ते हैं, हम अपना जो बॉडी का मेंटेनेंस है उसका स्टैंडर्ड कम नहीं करते हैं, हम जो है जो भी पैसा खर्च करना वगैरह वो कम नहीं करते हैं, हमें कम करना होगा, पैसा थोड़ा ना बोलेगा कि अच्छा थोड़ा कम खर्चो मुझे, हमें कम करना होगा, हमें जो टाइम लगाते हैं इसके अंदर जो टाइम लगाते हैं वो हमें कम करना होगा, हमें धीरे धीरे चीजों को छोड़ना होगा। हम तो पकड़ते जा रहे हैं, पहले वो भाई वो वायर वाला फोन हुआ करता था, टिंग टिंग बजता था, वहां जाते थे उठ करके और उनसे बात करते थे, रख देते थे, वो छूट गया, अभी हर समय टिंग 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 टिंग, अब ये भी नहीं रखा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है वो भी वो छोड़ दिया, अभी कोई वो स्मार्ट वॉच आ गई है, स्मार्ट वॉच,
फोड़ने का समय आ गया है और हम पकड़े जा रहे, आने दो, एक माया, दूसरी माया, तीसरी माया, चौथी माया, आने दो। तो महात्मा लोगों ने क्या कर रखा होता है, भगवान की शरण ग्रहण कर रखी होती है, इस कारण से वो माया से मुक्त होते हैं, इस कारण से वो दैवी प्रकृति माशिता होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जी आगे बढ़ते हैं। ज्यो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है। अच्छा, अष्टावक्र वाली कहानी तो समझ में आ गई क्या? आप में से कोई महान शिष्य तो नहीं है यहाँ पर जिसको अष्टावक्र की कहानी समझ में नहीं आई? पूछ लेता हूं, परीक्षा हो जाएगी, मालूम कर लेना चाहिए। पहले तो जिनको समझ में आए उनको पूछ लेता हूँ। किन्नरी माता जी बताइए, अष्टावक्र जी की कहानी क्या थी? हरे कृष्ण प्रभु जी, जनक महाराज ने पूछा कि ये माया छूटती नहीं है, तो अष्टावक्र जी भाग के पेड़ को लिपट गए और बोला कि, मतलब बाद में बताया कि माया को छोड़ना रहता है। पेड़ से क्या संबंध है? पेड़ को मतलब उन्होंने माया समझाया है कि मान लीजिए पेड़ माया है, तो इस पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने इस पेड़ को पकड़ा है। तो जो जनक महाराज कह रहे थे कि माया पीछा नहीं छोड़ती है, तो हे जनक महाराज, माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है, तुमने माया को पकड़ा हुआ है। माया तो बस ऑफर देती रहती है, तुम पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल बताऊं आपको, एग्जाम्पल माया कैसे ऑफर, इसके अंदर ना व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में एडवर्टाइज आता रहता है, कुछ फ्री बुकिंग करा लो, फ्री ये कर लो, वो कर लो, कुछ बाय वन गेट वन, टू थ्री फोर जो भी आता रहता है, और हम सोचते हैं अरे वाह क्या लुभावना है। माया तो बस ऐसे करती है, क्लिक कौन करता है? हम करते हैं। पकड़ते कौन है माया को? हम पकड़ते हैं। समय कौन खराब करता है? हम करते हैं। मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं अच्छा बहुत दिन हो गए, समझ गए ना, आप समझते हो सब, एक्सपीरियंस डिवोटीज। आगे बढ़ते हैं। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है, वो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। महात्मा बनने का मूलभूत सूत्र क्या है, प्रश्न आएगा क्विज में। महात्मा बनने का मूलभूत सूत्र क्या है? महात्मा बनने का मूलभूत सूत्र क्या है? क्या है ऋतु प्रभाकर माता जी, महात्मा बनने का मूलभूत सूत्र? प्रभु जी इसका मतलब क्या हुआ? मूल क्या? मूलभूत सूत्र क्या है महात्मा बनने का? अच्छा, मतलब कैसे बना जाए, कि मतलब क्यों बना, क्या पूछना? हिंदी कमजोर है प्रभु जी। हाँ हिंदी कमजोर है, संस्कृत हिंदी नहीं पड़ी ना कभी। अच्छा नहीं मतलब क्या बताना? अभी बताया था ना, महात्मा बनने का यही मूलभूत सूत्र है। वो क्या है? जो भगवान की शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। तो हम भगवान की, जैसे आप सब लोग हैं, आप दोनों डिवोटीज हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, और आप दोनों मिलकर के अपना धीरे 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 कृष्ण भावनामृत में आप लोग बढ़ते जा रहे हैं। इतना सब कुछ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, इतने बड़े आप डॉक्टर हैं, फेमस है, सब कुछ है, पर धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं? दैवी प्रकृति में आ रहे हैं, भगवान की प्रकृति में आने का कोशिश कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ये सब जो है वो हमें दैवी प्रकृति में लेके आता है। अच्छा, भगवान के शरणागत होने से क्या अर्थ है? उत्तर देंगे भगवती माता जी। भगवान की शरणागत होने से क्या अर्थ है, ये प्रश्न का उत्तर सबको आना चाहिए। सुन लीजिए, अभी अगर कोई सो रहा है तो जाग जाओ, हरी बोल, जागो। प्रभु जी, हाँ, भगवान की शरणागत का मतलब है कि भगवान की सेवा करना। कैसे करना? उनके पैर जो है, उनके पैरों के पास जाना, जो लड्डू गोपाल जी है हमारे ठाकुर जी, राधा, उनके बस बढ़िया से एकदम से वो जो ऑयल होता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरण के द्वारा उनकी सेवा करना। एक और प्रैक्टिकल बात बोलो, भगवान की शरणागत होने से क्या अर्थ है? नियमों का पालन करना, शुद्ध भक्त दिए गए नियमों का पालन करना। बिल्कुल सही उत्तर है सोनम सोनी माता जी। भगवान की शरणागत होने से अर्थ है
शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन करना। पहले लिखवा चुका हूं मैं आप लोगों को, एक बार फिर से लिखिए आप लोग, भगवान की शरणागत होने से क्या अर्थ है। भगवान की शरणागत होने से अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरणागत हो जाना। शुद्ध भक्तों की शरणागत होने से क्या मतलब है, उनकी धोती पहन पकड़ के बैठ जाना। शुद्ध भक्तों की शरणागत होने से अर्थ है उनके आदेशों का पालन करना। उनके आदेशों के पालन में क्या क्या आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, मंगला आरती, दर्शन आरती, तुलसी पूजा, गुरु पूजा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक रीडिंग, संकीर्तन, लेक्चर, प्रसादम, एकादशी, ये सब क्या है, शरणागत होना भगवान को। एक बार प्रेम से बता दो प्लीज, तो दिल से आपको ऐसा लगता है शरणागत की इतनी अच्छी क्लियर डेफिनेशन प्रभुपाद जी के अलावा किसी से नहीं सुनी थी, कोई बोल सकता है, किसी के दिल में ऐसा आ रहा है शरणागत, बोलिए किसको आ रहा है। श्री कृष्ण के हम पे आश्रित रहना, जो वो कह रहे हैं वो सबसे अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि शरणागत की ऐसी डेफिनेशन सुनी कभी, बोल देते हैं लोग समर्पण कर दो भगवान को, बस सब कुछ समर्पण कर दो। अरे समर्पण का मतलब क्या होता है भाई, भगवान की चरणों में बस बस जाओ, लिपट जाओ, क्या मतलब है उसका। शरणागत होना, शरणागत होने से क्या मतलब है, शुद्ध भक्तों के निर्देशन। रुको 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 रुको, मीठा बोलना, शुद्ध भक्तों के निर्देशन में आना। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, इतनी क्लियर डेफिनेशन किसी ने बताई थी शरणागत का, मतलब हम समझते थे उस मंदिर में जाके भगवान के चरणों को पकड़ के बैठ जाएंगे, हम तो शरणागत है आपकी ओ ठाकुर जी, ऐसा होता है क्या, कर सकते हैं क्या हम हमेशा के लिए ऐसा। हर एक कार्य को भगवान के लिए करना जो शुद्ध भक्तों के डायरेक्शन में दिया जाता है, उनके उनके द्वारा बताया गया है, ऐसे कार्यों से हम क्या हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं भगवान के। क्लियर है, समझ में आया आपको, ऐसी डेफिनेशन मुझे नहीं मिली थी कहीं पर। यू जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड एवरीथिंग विल हैपन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर माय डियर सर। Surrender means just surrender, just surrender. What is the meaning of surrender? No, you just surrender. Just surrender का मतलब क्या होता है भैया? Surrender का मतलब है उनके आदेशों का पालन करना, उनके प्रमाणिक गुरु को समर्पण करना, प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करना। और surrender का मतलब क्या है? अपने समय को भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, एकादशी में, प्रवचन सुनने में और अध्ययन करने में, इन सब में लगाना, ये surrender है। उर्मिल माता जी, ओ उर्मिल माता जी दिल्ली वाले, हाँ प्रभु जी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है प्रभु जी। सरेंडर का मतलब क्या है, कि हमें भगवान की शरणागत होने से मतलब है कि शुद्ध भक्तों की शरणागत में जाना था तो उनके आदेशों का पालन करना है, जैसे चैंटिंग करना, मंगला आरती करना, एकादशी व्रत करना, ये सब करना, तो वो शरणागत है, शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर उनके आदेशों का पालन करना। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो ये होता है शरणागत होना, जब आप अपना समय भगवान को समर्पण कर देंगे, वो चैंटिंग के द्वारा हो सकता है, वो प्रसाद वितरण के द्वारा हो सकता है, वो आप प्रवचन सुनने के माध्यम से हो सकता है, अध्ययन के माध्यम से हो सकता है, भगवान के लिए कुकिंग के माध्यम से हो सकता है, बाजार जाके भगवान के लिए मार्केट से चीजें खरीदने के माध्यम से हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, समर्पण। किसी के घर में सर्वेंट है, सर्वेंट आप में से किसी के घर में है? उर्मिल मित्तल माता जी है, यस और नो? है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सरेंडर सर्वेंट किसको बोलेंगे? वही प्रभु जी जो वही हमारे जैसे सर्वेंट, जो हमारी बात, हमारा कहना माने और हमारे अकॉर्डिंगली काम करे। वो अगर मार्केट में जाए तो वो अगर ये सोचे कि नहीं, मैं मेरे लिए पैंट खरीद लेता हूँ, मेरे लिए कुछ और खरीद लेता हूँ, मेरे लिए खरीद लेता हूँ, उसको क्या सरेंडर सर्वेंट बोलेंगे? हाँ प्रभु जी, वो अपने लिए ले सकता है। वो सरेंडर सर्वेंट नहीं है,
पर अब उसकी भी तो अब इतनी स्वतंत्र तो है ना वो प्रभु जी, फिर इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन समझना जरूरी है। सरेंडर सर्वेंट किसको बोलेंगे, जो मालिक ने आदेश दिया है उस आदेश को अक्षरशः पालन करता है, उसमें अपनी इच्छा को बीच में घुलनशील नहीं करता है, अपनी इच्छा को नहीं लेके आ जाता है, इसको बोलते सरेंडर। ओके, जैसा बताया वैसा आदेश का पालन किया, ठीक है, क्लियर है आप सबको। ओके, यही मूलभूत सूत्र है, तटस्था शक्ति होने के कारण, ये वापस थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आ गया समझिए, तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। जीव जैसे ही भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त होकर के आध्यात्मिक प्रकृति में चला जाता है। अब जल्दी से बताइए ये तटस्था मतलब क्या होता है, तटस्था, रुको 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 नीतु मत माता जी बताएंगे तटस्था मतलब क्या होता है, मार्जिनल पोटेंशियल, मार्जिनल मतलब क्या होता है, मतलब हम आध्यात्मिक भी नहीं है और भी नहीं है, एकाग्रता प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, तटस्था का मतलब क्या है, एकाग्रता। हाँ ममता पटेल माता जी, तटस्था मतलब एकाग्रता, मक्कम, दृढ़ता, यहाँ शक्ति की बात हो रही है, तटस्था शक्ति। प्रभु जी पे बताओ, हरे कृष्णा प्रभु जी, अलग हो जाना भौतिकता की अट्रैक्शन से, अलग हो जाना, तटस्थ, अलग हो जाना प्रभु जी, अंतरंगा बहिरंगा और तटस्थ। हरि आ जाओ एक बार, जी दोनों के बीच में ना, हरि आ जाओ एक बार, मैं तो समझाते हुए थक गया, हरि आ जाओ एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम सब जीवात्मा तटस्था सकती है भगवान की, आप लोग कब समझेंगे बताओ, कितनी बार समझा चुका हूँ, 7th chapter में भी समझाया था, वापिस बता रहा हूँ, जल्दी से समझिए, व्हाइट बोर्ड देखिए सभी लोग स्क्रीन पे, डांट भी नहीं सकता आप लोग इतने दूर बैठे, अब क्या करूं मैं, दिख रहे हैं आप सबको स्क्रीन पे जी प्रभु जी, ठीक है सबको दिख रहा है ना जी प्रभु। तटस्थ का मतलब होता है किनारा, बोलो एक बार क्या होता है तटस्थ का मतलब, किनारा, किनारा, हाँ, किनारा। तो ये देखिए आप, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, और ये बीच में एक और लाइन है, जल्दी से देखिए अभी बोल, ये जो नीचे वाली लाइन है वो कौन सी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, बी बहिरंगा शक्ति, ये कौन सी शक्ति है, अंतरंगा, और ये बीच वाली तटस्था कहीं भी जा सकती है, अंतरंगा शक्ति, ये कौन सी है, अंतरंगा शक्ति, अच्छे से समझिए पहले समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने, ये क्या है, तटस्थ शक्ति, तटस्थ किनारा, ये तटस्थ शक्ति है, टी टी लिखा है मैंने, ठीक है, बी ए टी, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और ये तटस्थ शक्ति, सबको मालूम पड़ रहा है प्रभु जी, मैंने उत्तर सही दिया ना, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अब इस उत्तर को और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, अच्छा करेंगे, वो क्या है, ये जो हम हैं, हम भी है कौन सी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है, हम भी कौन सी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है हम आत्मा, लेकिन हम कई बार किसमें चले जाते हैं, बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, भगवान की शरणागत होना है, भगवान की शरणागत होंगे तो हमेशा हम कौन सी शक्ति में आ जाएंगे, बोलो, अंतरंगा शक्ति में, हाँ आध्यात्मिक शक्ति में आ जाएंगे, अंतरंगा शक्ति में आ जाएंगे, ठीक है,
समझ में आया सबको? और सरल उदाहरण से समझाता हूँ, आपने थोड़ा समझ जा करो, थोड़ा बता दिया करो यार, आ गया बोल दिया करो, ऐसे मुझे उत्साह होता है, नहीं तो ऐसे लगता है अरे यार इतना बता रहा हूँ तू भी नहीं समझ रहे क्या करूँ मैं, ऐसा लगता है। किनारा होता है ना, किनारा किसका किनारा, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, तो ऐसा हो सकता है कि हम नदी के अंदर पानी में चले जाए या बाहर सूखे में चले जाए, तो जो किनारे पे होता है उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो हम सब लोग ऐसी स्थिति में है, या तो माया में चले जाएंगे या भक्ति में चले जाएंगे, हमेशा हमारा डावाडोल चलता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये बीच वाली कौन सी समझ नहीं, बीच वाली कौन सी प्रभु जी है? अभी वही बता रहा हूँ प्रभु जी, बीच वाली पोजिशन ये है कि हम जब लोग किनारे पे खड़े होते हैं ना, नदी के किनारे पे। राकेश प्रभु जी नाम बता दो, नाम जी मैं नाम जी तटस्थ शक्ति बीच में जी। हाँ जी, और जो पहले नंबर पे जी अंतरंगा शक्ति, किताब है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी किताब में जी लिखा हुआ जी सारा जी। ठीक है प्रभु, किताब में पढ़िए लिखा हुआ है सारा जी। ऊपर वाली शक्ति है उसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति, नीचे वाली शक्ति है उसको बोलते हैं बहिरंगा शक्ति, बीच में जो शक्ति है उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तो कभी कभी हमारी स्थिति कैसी है, सुबह तो हम रहते हैं अंतरंगा शक्ति में और शाम होते होते चले जाते हैं बहिरंगा शक्ति में। बहुत सारे लोग जो भी पूरी तरह से नहीं छोड़े गलत काम, मांसाहार या नशा या पार्टीज, राइट, तो शाम होते होते कहां चले जाते हैं, बहिरंगा शक्ति में चले जाते हैं। सुबह सुबह कौन सी शक्ति में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी यहाँ पे ऐसा क्यों लगा तटस्थ शक्ति होने के कारण? क्या क्या प्रश्न क्या है आपका, मैं पूरी बात तो बताने दो मुझे, पहले मैं बता रहा हूँ वो तो। ओके प्रभु जी, तो सुबह तो बढ़िया भक्ति होती है, नाम जब होता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, और शाम होते होते भाई एक पैक और चाहिए अपने, कौन सी शक्ति में चले गए, बहिरंगा शक्ति में चले गए, भौतिक शक्ति में चले गए, या ये काम करना वो करना ये बिजनेस करना वो करना, ये सब भौतिक शक्ति है बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, क्लियर है? तो नदी के किनारे पे कोई व्यक्ति होता है, या तो वो पानी में जा सकता है या सूखे में जा सकता है। तो हम सब लोग उस तरह से हैं, या तो माया में रह सकते हैं या भक्ति में रह सकते हैं। तो अभी हमें किस में रहना है, भक्ति में रहना है। महात्मा लोग किस में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति में रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है, सॉरी तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। क्या समझ में नहीं आया था भगवती माता जी, आप पूछ रहे थे कुछ? जब समझ में आ गया, मतलब कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें किस तरफ जाना है, मेन है ना, हम तटस्थ शक्ति किनारे पे है। ओके, अब समझ में आ गया। बी होता है बर्थ और डी होता है डेथ, इन दोनों के बीच में सी, उसको बोलते चॉइस। जन्म मृत्यु के बीच में हमारी चॉइस क्या है, हम सोच सकते हैं मैं क्या करना है, भक्ति करना है कि भोग करना है, क्या करना है वो हमारे ऊपर। तो क्यों ही वो आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है, जैसे ही वो क्या करता है, तटस्था शक्ति से मुक्त हो जाता है, पानी से बाहर निकल गया तो किसमें चला गया, सूखे में चला गया, सिंपल।